तो बच्चों अपन आज पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम होती क्या है या नेशनल इनकम को अपन निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले उसके पहले एक चीज़ सबसे इनिशियल डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा, वो भी इसलिए कि उस डेफिनेशन से आपको समझ में आए कि हम नेशनल इनकम तक पहुँचते कैसे हैं और नेशनल इनकम होती क्या है। तो बेटा अगर अपने को अपने देश के लिए इंडिया की अगर अपने को नेशनल इनकम निकालनी हो तो अपने को जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो इनकम थ्रू बिजनेस से काम कर रहे हैं या इनकम थ्रू सैलरी से काम कर रहे हैं या इनकम थ्रू रेंट रेंट पे प्रॉपर्टी चला रहे हैं उस पे काम कर रहे हैं या इंटरेस्ट के थ्रू कमा रहे हैं या कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, उन सब की इनकम अगर अपन ऐड करेंगे तो देश की नेशनल इनकम आ सकती है। एक और तरीका देश की नेशनल इनकम निकालने का यह है कि देश में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने गुड्स हैं, जितने शर्ट्स बन रही है, जितनी टी शर्ट्स बन रही है, जितने कैमरा बन रहे हैं, जितने मोबाइल बन रहे हैं, जितनी कार्स बन रही है, अगर उन सब की फाइनल वैल्यू अपन ऐड करें, उसके अलावा जो जो लोग जहां जहां सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए की सर्विसेज दे रहा है, कोई बैंक्स में काम कर रहा है, इन सारी सर्विसेज की भी फाइनल वैल्यू अपन अगर ऐड करें तो अपन देश की नेशनल इनकम का एक एस्टीमेट निकाल सकते हैं। तो बेटा इसी से सबसे पहले नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, जीडीपी एट एमपी क्या होता है। जीडीपी एट एमपी नेशनल इनकम नहीं होती बेटा, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये नेशनल इनकम नहीं होती बेटा, अपनी नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी। तो अपनी नेशनल इनकम जो होती है बेटा वो होती है एनएनपी एट एफसी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट कहां से होता है बेटा, जीडीपी एट एमपी। तो मैं जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन बोल रहा हूं, जीडीपी एट एमपी रिफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जीडीपी एट एमपी रिफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री बाय अ नेशन इन एन अकाउंटिंग ईयर, बाय अ नेशन इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब इस भारतवर्ष की भूमि के अंदर बनने वाले सारे गुड्स और सारी सर्विसेज एट देयर मार्केट प्राइजेस, एट देयर मार्केट प्राइजेस मतलब अभी जो इनका मार्केट प्राइस चल रहा है, जो कार अभी मिल रही है, जो शर्ट की मार्केट प्राइस चल रही है, उनको अगर ऐड कर लिया जाए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी एट एमपी रिफर्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री बाय अ नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट बेटा जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद ये हमारी देश की नेशनल इनकम नहीं होती है, ये हमारी देश की नेशनल इनकम नहीं होती है। नेशनल इनकम तो होती है बेटा एनएनपी एट एफसी, जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब उसके लिए बेटा तेरे को समझना पड़ेगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए हम लोग करना क्या पड़ता है। बेटा जैसे जी का यहाँ पे बेटा मतलब होता है ग्रॉस और वहां पे एन का मतलब क्या होता है बेटा नेट। तो बेटा ग्रॉस से अगर आपको नेट तक जाना है, ग्रॉस से कहां तक जाना है नेट तक, तो आप डेप्रिसिएशन क्या करते हो माइनस, और अगर नेट से ग्रॉस पे आना है तो आप डेप क्या करते हो ऐड। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जब आपने इस साल इस ईयर में, जैसे अगर 2019 चल रहा है, इस ईयर में आपने बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करे तो क्या आपके कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हुए होंगे, कुछ ना कुछ पेड़ पौधे जंगल काट लिए होंगे आपने, कुछ ना कुछ लकड़ियां, कुछ ना कुछ ऑयल रिसोर्सेज, आपके माइनिंग रिसोर्सेज कम हुए होंगे, आपके कुछ ना कुछ देश के नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हैं। बहुत बार आपने एसेट्स तो बना दिए, जैसे आपने कार तो बना दी, जैसे आपने शर्ट्स तो बना दी, जैसे आपने बहुत अच्छी बना तो दी, लेकिन क्या वो ओवर अ पीरियड टाइम, जैसे आपने इस साल कोई ब्रिज बनाया है, इस साल आपने कोई रोड्स बनाए, इस साल आपने रेलवेज बनाई है, तो क्या बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी क्या डेप्रिशिएट होते हैं क्या? हाँ। तो बेटा जब इनको ऐड करते हैं तो इनकी मार्केट प्राइस पे ऐड करते हैं, मार्केट प्राइस पे ऐड करते हैं मतलब जितने के बने तो ग्रॉस पे ऐड करते हैं। तो बेटा ग्रॉस पे से नेट पे जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो देश की फिक्स कैपिटल है, जो देश के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो देश की माइनिंग्स हैं, जो देश के ओर्स हैं, जो देश के फॉरेस्ट हैं, आपने इन सबको डिप्लीट किया है तब जाके आप कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर पाए हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बाद में बहुत काम आने वाला है। ग्रॉस से अगर नेट पे जाना हो तो डेप क्या होता है माइनस, और नेट से अगर ग्रॉस पे आना हो तो डेप क्या होता है प्लस। डेप का एक और नाम है बेटा, ध्यान रखना है क्वेश्चंस में बहुत बार डेप डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं दिया रहता, उसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब बात करते हैं दूसरी बेटा, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से क्या बेटा नेशनल। सर डोमेस्टिक से नेशनल का क्या मतलब बेटा, जब तुम जीडीपी एट एमपी निकालते हो तो डी का मतलब क्या होता है बेटा डोमेस्टिक, डी का मतलब क्या होता है डोमेस्टिक, और एन का मतलब क्या होता है नेशनल।
तो सर डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है? बेटा जब आप देश की डोमेस्टिक इनकम ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आप वो सारी इनकम ऐड कर रहे हो जो देश के अंदर, देश की बाउंड्री के अंदर कमाई हुई है। बाय डोमेस्टिक आई मीन जो भी सब कुछ भारत वर्ष के अंदर कमाया हुआ है वो देश की डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन क्या जो देश के अंदर कमाया हुआ है क्या वही सिर्फ देश की इनकम है क्या? नहीं बेटा, देश की नेशनल इनकम का मतलब होता है दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी इंडियन ने जो कमाया है, जो अपने डॉक्टर इंजीनियर सीए एमबीए जो बाहर से कमा के ला रहे हैं, क्या वो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट है? हाँ बेटा, वो इंडिया की नेशनल का पार्ट है। जो उनके डॉक्टर इंजीनियर सीए इंडिया से कमा के ले जा रहे हैं, ये अपनी नेशनल इनकम नहीं है, ये उनकी नेशनल इनकम है। तो पहले तो बच्चों समझना पड़ेगा डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है। डोमेस्टिक मतलब भारत वर्ष के अंदर कमाया, मतलब देश की बाउंड्री में के अंदर कमाई हुई हर चीज देश की कौन सी इनकम है बेटा? तो थोड़ी देश की क्या है? डोमेस्टिक इनकम। तो देश की बाउंड्री के अंदर कमाई हुई हर चीज देश की क्या है बेटा? डोमेस्टिक इनकम। लेकिन बेटा अगर इंडिया में मैकडॉनल्ड ने कमाया तो क्या वो इंडिया की इनकम होगी? नहीं, क्यों? मैकडॉनल्ड इंडिया की कंपनी है। अगर इंडिया निसान कार आती है, या मैं तुमको बोलूं दूसरी ये अलग अलग मोबाइल कंपनी एमआई कंपनी होगी, कोई चाइना के मोबाइल वाले कमा रहे हैं, तो क्या वो इंडिया की नेशनल इनकम होगी? नहीं बेटा, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम तो होगी। सर डोमेस्टिक इनकम क्यों होगी? क्योंकि वो देश के अंदर कमाया हुआ है, बट वो देश की नेशनल इनकम नहीं होगी। क्योंकि नेशनल इनकम के डेफिनेशन के लिए रहता है कि ऑल द इनकम अर्न बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेदर इन इंडिया और आउट इंडिया। मतलब साउथ अफ्रीका के जंगल में भी कोई इंडियन अगर कोई इनकम कमा रहा है तो वो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट होगी। और इंडिया में बैठ के जितनी भी कंपनीज कमा रही हैं, जितने भी डॉक्टर इंजीनियर्स ये फॉरेनर्स हैं, जो भी एनआरआईज हैं इंडिया के, वो जो कमा रहे हैं वो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। इस पे अलग से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि विच आर एडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया एंड विच आर एडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो बेटा इसलिए डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना हो, डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे आना हो, तो अपन करते हैं प्लस NFIA। सर NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब जो वहां से हमारे लोग कमा के आए हैं, माइनस जो उनके लोग यहां से कमा के जाते हैं। तो इट इज फ्रॉम माइनस टू। इसका मतलब जो वहां के लोग कमा के आए हैं वो प्लस हो, जो अपने लोग बाहर से कमा के आए वो आता हुआ पैसा है प्लस 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 प्लस, जो उनके लोग जो फॉरेनर्स यहां से कमा के जा रहे हैं तो जाता हुआ पैसा है। तो फ्रॉम माइनस टू होगा NFIA। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना हो तो बेटा NFIA प्लस होगा, नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना हो तो NFIA माइनस होगा। आगे की बात है बेटा मार्केट प्राइस, और यहाँ पे क्या बेटा तुम्हें बस फैक्टर कॉस्ट। सर मार्केट प्राइस का मतलब मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे आज ये शर्ट है, ये शर्ट की अगर मार्केट प्राइस देखें तो ये शर्ट की मार्केट प्राइस होगी 1000 रुपये। लेकिन तुमको क्या लगता है कि ये वाकई में ये शर्ट 1000 रुपये की बनी है? ये शर्ट की मार्केट प्राइस 1000 है। सर इसकी मार्केट प्राइस क्यों 1000 है? क्यों बेटा? इसमें बहुत सारे टैक्सेस लग गए, इसमें GST लगा हुआ है, इसमें एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, इसमें कस्टम ड्यूटी लगी हुई है। आज आप कोई कार देखते हो, अगर आप कोई कार लेके आते हो उसकी बोले ऑन रोड प्राइस 1000000 है, तो क्या उसकी वो मार्केट प्राइस है? हाँ वो उसकी मार्केट प्राइस है, लेकिन क्या वो कार 1000000 की बनी है क्या? नहीं बेटा, उस कार में 1.5-2 लाख की सिर्फ टैक्सेस है। तो इसका मतलब आपको टैक्सेस ऐड नहीं करने, क्योंकि टैक्सेस तो इनडायरेक्ट है, वो ऐड नहीं होने चाहिए। चीजों की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, चीजों की एक्चुअल कॉस्ट क्या है वो ऐड होगी। तो जब आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो NIT क्या होता है? माइनस। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। और जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो प्लस होता है NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट NIT का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सर सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट, मान लो गैस है, अब गैस की कॉस्ट तो गवर्नमेंट को पड़ रही है 800 रुपये, आपको कितने मिल रहा है? 600 रुपये में। सर जो पानी है, पानी जो आपके घर तक आता है उसकी कॉस्ट एक प्रकार से देखे तो उसकी गवर्नमेंट को एक बाल्टी पानी निकाल बनाने की कॉस्ट लगती है 20 रुपये, आपको मिलता है 5 रुपये में। तो सब्सिडीज मतलब क्या? आपको कम रेट में मिल रहा है, इसका मतलब वो चीज़ कम रेट की नहीं है। अगर आपको 50 रुपये किलो वाले आलू 15 रुपये में मिल रहे हैं तो इसका मतलब उनकी वैल्यू 15 नहीं, वो 50 के ही हैं, आपको 15 में मिल रहे हैं। तो बेटा आपको समझ में आ गया इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। सर कुछ एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे GST हो गया बेटा, जैसे तुम्हारा सेल्स टैक्स हो गया, जैसे तुम्हारा कस्टम ड्यूटी हो गई, तो ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता? तो बेटा मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा रहा हूं। अगर बात करें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप माइनस होगा, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप प्लस होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA प्लस होगा, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA माइनस होगा, MP से FC पे जाना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है
तो एनआईटी नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे माइनस, और एफसी से एमपी पे जाना है तो नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे प्लस। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल और फॉर्मेट करेंगे वो अपन देखते हैं क्या। बैटरी नहीं लगा था तो फिर अभी खत्म हो गई कि चल ये हो गया रिकॉर्ड कि ये भी नहीं हुआ रिकॉर्ड।